समय में अगर आप किसी से भी पूछेंगे इंडियाज मोस्ट पॉपुलर, सेफेस्ट और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में, तो ज्यादातर लोग आपको बोलेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट। जी हाँ, क्या आप जानते हैं अबाउट 95% ऑफ इंडियन फैमिलीज अपने पैसे जो हैं फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा कर कर रखते हैं। दैट्स अ ह्यूज नंबर। हमें फिक्स्ड डिपॉजिट इतना ज्यादा पसंद है कि बहुत लोग ब्लाइंडली इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट के दो मोड्स होते हैं, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, और इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं इस दो मोड के बारे में, ये दोनों मोड क्या होते हैं, ये दोनों कैसे डिफरेंट हैं, और साथ ही हम ये जानेंगे कि कौन सा मोड आपके लिए ज्यादा सूटेबल हो सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फिक्स डिपॉजिट आखिर होता क्या है। तो जैसे कि इसके नाम से हमें पता चलता है, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि आप एक टाइम पीरियड के लिए अपना जो पैसा है वो जमा करके रख दें। तो आज बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं, पब्लिक बैंक्स एंड प्राइवेट बैंक्स हैं, और साथ ही NBFCs हैं जहां पे आप आराम से कोई भी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं। इसके टेन्योर की हम बात करें तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है और सारे ही इन्वेस्टर्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वो चाहें तो अगर अपना फिक्स डिपॉजिट 7 दिन तक यानी कि 1 हफ्ते तक रख सकते हैं, या फिर लंबे समय तक भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं जो होता है 10 साल के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है व्हेन वी टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। और साथ ही जैसे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि 95% ऑफ इंडियन फैमिलीज फिक्स डिपॉजिट करती हैं, जमा करती हैं अपने पैसे इस अकाउंट में, क्योंकि मेन रीज़न ये है कि बहुत ही सेफेस्ट है और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी है, यानी कि आपको एट द एंड ऑफ मेच्योरिटी एक फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा। और ये फिक्स्ड अमाउंट हो सकता है आपका प्रिंसिपल और साथ ही हो सकता है जो इंटरेस्ट जो अक्यूमुलेट होके मिलता है आपको। जनरली जिन लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहिए होता है, जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं और साथ ही एट द एंड ऑफ दैट मेच्योरिटी वो एक एक्सपेक्टेड रिटर्न सोच रहे हैं, तो वो लोग फिक्स डिपॉजिट में अपना जो पैसा है वो डाल देते हैं। वहीं अगर हम फिक्स डिपॉजिट की मोड्स की बात करें तो यहाँ पे दो मोड्स होते हैं, ये दो कैटेगरीज में बढ़ गए हैं, जैसे कि क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट। तो अब जान लेते हैं कि क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट आखिर होता क्या है। तो द वर्ड जो है क्यूमुलेटिव, इसका मतलब होता है एक्यूमुलेट करना। एक्यूमुलेट करना यानी कि कुछ चीज़ जो जमा करते हो आप। तो फिक्स डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट एक ऐसा ऑप्शन है आपके पास जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने पैसे और जो मेच्योरिटी है तब तक के लिए आप अपना पैसा जमा करते हैं और उसके बाद आप अपना प्रिंसिपल और साथ ही वो जो इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है वो एक साथ इकट्ठा करके आपको मिल जाता है एट द एंड। क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट में सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो कंपाउंडेड इंटरेस्ट आपको मिलता है, और ये कंपाउंड होता है एवरी क्वार्टर और साथ ही एवरी ईयर, यानी कि हर 3 महीने में आपको कंपाउंड होके मिलता है या फिर हर साल आपको ये कंपाउंड होके मिल जाता है। जैसे कि हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि इसका जो टेन्योर है ये हो सकता है 6 महीने से लेकर 10 साल तक। तो जितना भी आपने टेन्योर चूज किया है उस बेसिस पे जो क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट है उसके मेच्योरिटी के एंड तक आपको प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होके मिल रहा है वो आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे एडेड एडवांटेज आपको ये भी मिलता है कि क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है वन कंपेयर टू नॉन क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट। क्यों ऐसा? इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट है वो कंपाउंड होके मिलता है, और जब भी आप किसी भी स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर आपको कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट होता क्या है। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट का बेसिक का मतलब ये है कि जब भी हम क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर जो आपका मे बी 3 महीने के बाद या फिर 6 महीने के बाद या फिर 1 साल के बाद जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है एक्यूमुलेट होता है वो री इन्वेस्ट हो जाता है वापस, और यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट रेट है वापस नहीं मिलता आपके बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट एक्यूमुलेट होता है तो आपके FD में वापस री इन्वेस्ट होता है, इसी को हम कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट कहते हैं। अब आगे बढ़ते हुए एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कैसे ये क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट काम करता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपए जमा किया है क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट में और उसको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 6% का। तो यहाँ पे एक टेबल दिखाया जाएगा जिसके माध्यम से आप समझ जाएंगे कि ये कैसे काम करता है। तो जैसा कि इस टेबल में हम देख सकते हैं, पहला कॉलम आपको बताएगा द नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने, एक इंसान ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है 5 साल के लिए, यहाँ पे इस टेबल पे हम देख सकते हैं कितना इन्वेस्ट हुआ है, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, और साथ ही फाइनल अमाउंट यानी कि मेच्योरिटी के बाद कितना उस इंसान को मिल सकता है।
अगर हम देखें फर्स्ट कॉलम बताता है 1 ईयर के लिए, तो 1 ईयर के लिए आपने इन्वेस्ट किया है 1,00,000 रुपए। इस पर आपको जो इंटरेस्ट मिल सकता है, अगर इन केस आप क्यूमुलेटिव एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आप 1,00,000 इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 6% का, जो होगा 6,000 का। और यहाँ पे फाइनल अमाउंट आप देख सकते हैं 1,06,000 रुपए का। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज नोट करने के लिए ये है कि जब भी आप क्यूमुलेटिव एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट आपको मिलता है, इंटरेस्ट यहाँ पे जो एक्यूमुलेट होता है, ये री इन्वेस्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट है वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं होता आता है, बल्कि ये री इन्वेस्ट हो जाता है। जैसे कि आप सेकेंड ईयर में देख सकते हैं, ये आपका जो 6,000 रुपए था इंटरेस्ट जो आपको फर्स्ट ईयर में मिला था, वो री इन्वेस्ट होके नेक्स्ट ईयर में चला गया है। यानी कि नेक्स्ट ईयर आप 1,06,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट जो है री इन्वेस्ट हुआ है। तो अगला आपको जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो 6,360 रुपए का है, और फाइनल अमाउंट जो आपको मिलेगा वो होगा 1,12,360 रुपए का। वही अगर हम तीसरा रो देखें, तो यहाँ पर जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट था वो वापस री इन्वेस्ट हो गया है थर्ड ईयर में। जो हमने देखा 1.12 लाख, वो थर्ड ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो गया। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट इन द थर्ड ईयर विल बी 1,12,360 रुपीज। यहाँ पे आप इंटरेस्ट देख सकते हैं 6,742 रुपीज का। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में कितना हुआ है, सेकेंड में कितना हुआ है, थर्ड में कितना री इन्वेस्ट हुआ है, फोर्थ में कितना री इन्वेस्ट हुआ है, और फिफ्थ में कितना आपने री इन्वेस्ट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना आपने प्रिंसिपल भरा था 1,00,000 रुपए, और साथ ही जितना आपको इंटरेस्ट मिला है वो आपका इन्वेस्ट हुआ है 1,26,248 रुपीज, और इस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 7,575 रुपीज। और एट द एंड, यानी कि 5 साल बाद आपने अगर 1,00,000 रुपए आपने जमा किया है, तो 5 साल बाद ये बढ़कर हो जाएगा 1,33,823 रुपीज। तो ऐसे ही अगर आप क्यूमुलेटिव एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसे ही आपका जो इंटरेस्ट है वो री इन्वेस्ट हो जाता है, और इससे आपको कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिलता है। अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि नॉन क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट होता क्या है। जैसे कि हमने पहले वाले में समझा, क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट यानी कि आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं अपने वेल्थ, अपने पैसे को आप जमा कर रहे हैं, और एट द एंड आप उसे इकट्ठा ले रहे हैं वापस। पर नॉन क्यूमुलेटिव एफडी में आप यहाँ पर जमा नहीं कर रहे हैं पैसे, पर यहाँ पे जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो या तो आप हर महीने ले सकते हैं, या तो क्वार्टरली यानी हर 3 महीने ले सकते हैं, या तो हाफ ईयरली 6 महीने बाद ले सकते हैं, या फिर ईयरली आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने बैंक को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि कब कौन से मोड पे आपको ये इंटरेस्ट लेना होगा। यहाँ भी मैं आपको साथ ही ये बता दूं कि अगर आप मंथली लेते हैं, या फिर हाफ ईयरली लेते हैं, क्वार्टरली लेते हैं, ईयरली लेते हैं, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी इसके डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मंथली लेते हैं तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट रेट हो सकता है 6.8% का। अगर आप क्वार्टरली लेते हैं यानी कि अगले 3 महीने के बाद आपको ये इंटरेस्ट रेट अपने बैंक अकाउंट में चाहिए, तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट हो सकता है 6.85% का। साथ ही अगर आप हाफ ईयरली लेते हैं, मान लेते हैं आपको 6 महीने के बाद चाहिए, तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट मिल सकता है 6.95% का। और अगर आपको 1 साल बाद चाहिए, तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 7.05% का। तो इसके इंटरेस्ट रेट से आप समझ गए होंगे कि जितने लंबे समय तक आप अपना पैसा इन्वेस्टेड बनाए रखें, फिक्स्ड करके रखे रहें, उतना ही ज्यादा आपको इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि नॉन क्यूमुलेटिव एफडी होता क्या है। क्यूमुलेटिव में आप अपने जो पैसे हैं एंड के बाद, मतलब मैच्योरिटी पीरियड के बाद कलेक्ट करते हैं, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और नॉन क्यूमुलेटिव में आप अपने जो पैसे हैं वो रेगुलरली अपने बैंक को बोल रहे हैं कि आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। तो इस बेसिस पे आप अपने पैसे जो है रेगुलरली एज इनकम आप ले सकते हैं। तो ये था एक मेजर डिफरेंस बिटवीन क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर भी एक उदाहरण से समझ लेते हैं, टेबल के उदाहरण से समझ लेते हैं कि ये नॉन क्यूमुलेटिव आखिर काम कैसे करता है। यहाँ पर भी एक सेम एग्जांपल लेते हैं कि एक व्यक्ति ने 1,00,000 रुपए यहाँ पे नॉन क्यूमुलेटिव एफडी में डिपॉजिट किया है, और 6% का यहाँ पे इसको ऑन एन एवरेज मिल रहा है। तो अब हम जान लेते हैं सेकंड टेबल के बारे में, यानी कि नॉन क्यूमुलेटिव एफडी के बारे में। यहाँ पर भी हम सेम एग्जांपल लेते हैं, और यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर आपने 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किया है, सेम परसेंट आपको मिल रहा है, सेम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है जो है 6% का, यानी कि 6,000 रुपीज एवरी ईयर, और साथ ही फाइनल अमाउंट भी आप देख सकते हैं। तो इस टेबल को अगर हम ध्यान से देखें, तो 5 कॉलम में जो फर्स्ट 5 ईयर्स है, तो अगर हम इन्वेस्टमेंट कॉलम को यहाँ पे देखें ध्यान से, तो एक ही नंबर है, यानी कि 1,00,000 आपने हर बार इन्वेस्ट किया है। और क्योंकि ये नॉन क्यूमुलेटिव एफडी है, यानी कि आपको इंटरेस्ट यहाँ पे वापस मिल जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड कॉलम में इंटरेस्ट, तो आपको सेम इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि 6,000 आपको हर महीने, या फिर जो भी आपने मोड चुना है उस हिसाब से आपको ये इंटरेस्ट मिल जाता है। और साथ ही अगर हम यहाँ पे फाइनल अमाउंट देखें, तो फाइनल अमाउंट भी आपका उतना ही है जो है 1,06,000 रुपए का। तो चाहे आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट करें, 5 साल के लिए इन्वेस्ट करें, तो आपको आपका इन्वेस्टेड अमाउंट भी सेम है,
इंटरेस्ट भी सेम है और साथ ही फाइनल अमाउंट भी सेम ही है, यहाँ पे कोई डिफरेंस है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरेस्टेड रेगुलरली मिल जाता है, कोई इंटरेस्ट आप अलग से कमा नहीं रहे हैं। तो इसी को हम कहते हैं नॉन क्यूमुलेटिव एफडी। तो अब हमने समझ लिया है कि क्यूमुलेटिव एफडी क्या होता है और नॉन क्यूमुलेटिव एफडी क्या होता है। आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो फर्स्ट वाले कॉलम पे हम देखें तो दिखाता है पर्टिकुलर्स, यानी कि पैरामीटर्स कौन कौन से हैं जिसके बेसिस पे हम इनके डिफरेंस को जान सकते हैं, परख सकते हैं। तो हम अगर पहले पैरामीटर को देखें यानी कि डेफिनेशन, तो क्यूमुलेटिव एफडी में जो इंटरेस्ट है वो एक्यूमुलेट होता रहता है थ्रू आउट, अगर आपने एक साल के लिए किया है, पांच साल के लिए किया है, दस साल के लिए किया है, जिस भी पीरियड के लिए आपने एफडी खोला है, तो थ्रू आउट दैट ईयर, थ्रू आउट दैट टेन्योर आपका जो इंटरेस्ट है वो एक्यूमुलेट होता ही रहता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम नॉन क्यूमुलेटिव की बात करें तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो एक्यूमुलेट नहीं होता। नेक्स्ट पैरामीटर को अगर हम देखें, इंटरेस्ट पे आउट, तो जैसा कि हमने जाना क्यूमुलेटिव एफडी में आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट साथ में मिलते हैं, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट पे आउट है इट इज पेड ओनली ऑन मेच्योरिटी। ऑन दी अदर हैंड अगर हम नॉन क्यूमुलेटिव एफडी की बात करें तो यहाँ पर आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप चाहे तो ये जो इंटरेस्ट है वो मंथली ले सकते हैं, हर महीने ले सकते हैं, या फिर क्वार्टरली हर तीन महीने बाद ले सकते हैं, हाफ ईयरली छः महीने बाद ले सकते हैं, या फिर ईयरली 12 महीने बाद आप ले सकते हैं। अगला पैरामीटर है इनकम फ्लो। क्यूमुलेटिव एफडी में कोई इनकम जनरेट होके नहीं मिलती, कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आपको नहीं मिलती। वहीं ऑन दी अदर हैंड नॉन क्यूमुलेटिव एफडी आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है, यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन है कि आपको एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम मिले थ्रू आउट द टेन्योर, चाहे आप 5 साल के लिए कोई एफडी खोले हैं या 10 साल के लिए खोले हैं, तो हर महीने या हर क्वार्टरली या हर हाफ ईयरली या ईयरली आपको वो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आते ही रहेंगे। अगला पैरामीटर है री इन्वेस्टमेंट का। तो जैसा कि हमने एक टेबल से समझा था कि कैसे री इन्वेस्ट होकर आपको क्यूमुलेटिव एफडी में ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, तो यहाँ पर री इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो क्यूमुलेटिव एफडी में आपका जो इंटरेस्ट है वो री इन्वेस्ट होता है और वो इंटरेस्ट आपको हर महीने नहीं मिलता या हर साल नहीं होकर मिलता है। और वहीं ऑन दी अदर हैंड अगर हम नॉन क्यूमुलेटिव एफडी की बात करें तो यहाँ पर सिंस आपको इंटरेस्ट मिल ही जाता है हर महीने या हर तीन महीने या छः महीने या एक साल बाद, तो ये री इन्वेस्ट नहीं होती, तो यहाँ पे आपको कंपाउंडेड इंटरेस्ट नहीं मिलता। आप समझ लेते हैं कि ये क्यूमुलेटिव एफडी और नॉन क्यूमुलेटिव एफडी किसके लिए ज़्यादा सूटेबल है, किसे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हम क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो ये बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स को के लिए सूटेबल है जो किसी भी तरह में डिपेंडेंट नहीं है, किसी भी इनकम में डिपेंडेंट नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं चाहिए रेगुलरली तब आपके लिए ये सूटेबल हो सकता है। आज आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हो सकते हैं, आप एक बिजनेसमैन हो सकते हैं जिसको पैसे की रेगुलर इनकम की जरूरत नहीं पड़ती हो, तो ऐसे लोगों के लिए ये सूटेबल हो सकता है। और साथ ही आपको एक लमसम अमाउंट किसी भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में इन्वेस्ट करना है और आपको से 5 ईयर्स के लिए या 10 ईयर्स के लिए वो पैसे चाहिए ही नहीं, तो ऐसे में आप क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट में अपने पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी अपना यहाँ पे जमा कर सकते हैं अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे समय के लिए इस पैसे की जरूरत है ही नहीं और साथ ही आपको ज्यादा इंटरेस्टेड चाहिए। ऑन द अदर हैंड नॉन क्यूमुलेटिव एफडी ऐसे लोगों के लिए सही है जिनको एक रेगुलर इनकम चाहिए, एक रेगुलर इनकम हो, जैसे अगर आप एक रिटायर्ड इंडिविजुअल हैं तो आपके लिए सूटेबल है। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं जिसको एक रेगुलर इनकम चाहिए हर महीने या फिर 3 महीने बाद या फिर हाफ ईयरली या फिर ईयरली, या फिर अगर आप एक होम मेकर हैं, आप घर पे बैठते हैं, आप काम करते हैं, आप बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखते हैं और आपको एक रेगुलर इनकम चाहिए अपने सेविंग्स पे, तो ऐसे में आप नॉन क्यूमुलेटिव एफडी में अपना पैसा जो है डिपॉजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एक पीरियड के बाद जो है आपका इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होके आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं आपको हर महीने ये इंटरेस्ट रेट चाहिए या फिर 3 महीने बाद या फिर 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद ये इंटरेस्ट रेट आपको चाहिए, तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आपको ये जो इंटरेस्ट जो है वो कब चाहिए होगा। तो नॉन क्यूमुलेटिव में आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, पर यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा कम होगा व्हेन कंपेयर टू क्यूमुलेटिव फिक्स्ड डिपॉजिट। तो ये था मेजर डिफरेंस। तो उम्मीद करते हुए इस पूरे वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कि एफडी यानी कि क्यूमुलेटिव एफडी और नॉन क्यूमुलेटिव एफडी होता क्या है, इन दोनों में मेजर डिफरेंसेस क्या है और क्या आपको क्यूमुलेटिव में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर आपको नॉन क्यूमुलेटिव में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हुई होगी आपके लिए और साथ ही आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर देंगे। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट कर हमें ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही अगर कोई टॉपिक आपको सजेस्ट करना हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइज ब्रेक फ्री। Oh, oh, oh.